अब देखते हैं हम लोग सी फोर पाथवे। अच्छा, सी फोर पाथवे जो है जब रूबिस्को किसकी तरह एक्ट ना करे, ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट ना करे। देखो हम लोगों ने पढ़ा था एक सी थ्री साइकिल या केल्विन साइकिल। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि केल्विन साइकिल जब होती है तो सी थ्री प्लांट जो होते हैं, सी थ्री प्लांट, क्योंकि केल्विन साइकिल तो हर जगह होती है, चाहे सी थ्री प्लांट हो चाहे सी फोर प्लांट हो। बेसिकली बात कर रहे हैं सी थ्री प्लांट की। जो सी थ्री प्लांट होते हैं उनके अंदर जब रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाता है तो एक्टिविटी उसकी ऑक्सीजनेज होती है, और तब हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। तो एक फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि फोटो रेस्पिरेशन हो, इसको अवॉइड करना है। तो कुछ प्लांट इसको अडाप्ट करते हैं कि वो फोटो रेस्पिरेशन होने से खुद को बचाते हैं। उसकी तकनीक क्या थी? तो उन्होंने एक सी फोर पाथवे अपना लिया। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि तब क्या, जब रूबिस्को ऑक्सीजनेज की नॉट एक्ट एज ऑक्सीजनेज, मतलब रूबिस्को की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज की तरह होनी चाहिए, ना कि किसकी तरह, ऑक्सीजनेज की तरह नहीं हो। क्लियर। ड्राई ट्रॉपिकल रीजंस कौन सी, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजंस होते हैं हैव सी फोर पाथवे मेंशन अर्लियर, दो दीज प्लांट्स हैव सी फोर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड एट द फर्स्ट CO2 fixation product, they use C3 pathway or Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway। कहने का मतलब है इनमें C3 cycle चलता है, लेकिन इनके अंदर देखो C3 जब हम लोग pathway पढ़ते थे तो हम लोग बोलते थे जो first product होता है, first यहाँ पे ये देखो first CO2 जो fixation होती है और जो product बनता है वो तीन carbon का PGA बनता है, 3-phosphoglycerate या glycerate acid। लेकिन जब C4 pathway पढ़ेंगे, क्योंकि नाम C4 है, इसमें पहला जो product बनता है CO2 फिक्सेशन के बाद में वो बनता ही चार कार्बन, जिसको हम OA बोलते हैं। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन प्रोडक्ट होता है, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। जब ये सब हो रहा है देन इन व्हाट, देखो देन इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट, C4 प्लांट, C3 प्लांट से किस बात में डिफरेंट है, अगर C3 साइकिल दोनों में हो रही है। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क, आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। C4 प्लांट्स आर स्पेशल, दे हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, पॉइंट नोट करने वाला है हायर टेम्परेचर, दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी, जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो, जब हायर टेम्परेचर हो, ठीक है ना, दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तब इसमें फोटो रेस्पिरेशन होनी चाहिए थी बट नहीं होती है, ठीक है ना, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। और देखो जब फोटो रेस्पिरेशन होता है, जो एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस हो पाती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है जो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाती, जिस वजह से जो बायोमास प्लांट का होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ क्या हो जा रहा है, फोटो रेस्पिरेशन हो जा रहा है। क्यों फोटो रेस्पिरेशन हो जा रहा है? क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया है, लाइट इंटेंसिटी क्या हो गई है, वो भी क्या हो गई है, हाई हो गई। तो अब प्लांट क्या चाहता है कि फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करो, ऐसी टेक्निक निकालो जिससे फोटो रेस्पिरेशन हो ही ना। तो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए सी फोर प्लांट डेवलप हुए, सी फोर पाथवे डेवलप हुआ। अब देखो जो सी फोर प्लांट होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है, इसको हम नाम देते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है कि अंदर देखो ये है वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ ये जो सेल्स लगी हुई है, इन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं बंडल सीथ सेल। जो बंडल सीथ सेल होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, यहाँ से गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, नो आईसीएस, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, और उसके चारों तरफ मेजोफिल सेल लगी होती है। अगर कोई कहीं ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है कि बीच में वैस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम है बंडल, ठीक है ना, जिसके चारों तरफ क्या है बंडल सीथ सेल है, उसके चारों तरफ क्या है मेजोफिल सेल्स है, तो एक अलग टाइप की स्पेशल टाइप की एनाटॉमी है जिसको नाम देते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है रीत, एक माला टाइप, ठीक है ना, रीत। तो देखो द पर्टिकुलर लार्ज सेल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल ऑफ सी फोर प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल सी सेल, द लीव्स व्हिच हैव सच एनाटॉमी कॉल्ड क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज मतलब रीत, एंड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स द बंडल सीथ मे फॉर्म सेवरल लेयर्स। अब यहाँ पे बंडल सीथ की आपको एक लेयर दिख रही है, ये कई लेयर की भी हो सकती है अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, ठीक है ना। दे आर करेक्टराइज बाई हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, थिक वॉल्ड इम्प्रीवियस टू गैसेस एक्सचेंज, यहाँ ये थिक वॉल्ड सेल्स होंगी, गैसेस एक्सचेंज यहाँ से नहीं हो सकता,
एंड नो ICS इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते, जैसे C4 प्लांट्स की बात करते हैं, एग्जांपल मेज एंड सॉर्गम, ठीक है ना। ये कुछ C4 प्लांट्स के बारे में यहाँ दिया गया। अब देखो यहाँ पे एक आइडिया ले लेते हैं कि C4 पाथवे जब पढ़ेंगे तो C4 पाथवे में क्या होता है। देखो C4 पाथवे जब होगा, हम लोगों ने C3 साइकिल किसमें पढ़ी है, मीजोफिल सेल किसमें होती है, मीजोफिल सेल में, कौन सी साइकिल, C3 साइकिल। क्या बनता है इसमें C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में क्या बनता है, एक तो उसमें क्या बनता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट शुगर फॉर्म होता है। लेकिन ये क्रेंज एनाटॉमी क्या डिफरेंस है, देखो क्रेंज एनाटॉमी में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक जो CO2 होती है वो मीजोफिल सेल में तो आती है, तो यहाँ पे एक C3 यानी तीन कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिससे क्या करेगी, बाइंड कर जाएगी, कौन, CO2। जब CO2 से बाइंड करेगी तो कार्बन का नंबर कितना हो जाएगा, 4। ये 4 कार्बन ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे कहाँ, बंडल सीथ सेल के अंदर। ये कहाँ गए, बंडल सीथ सेल में आ गए, और बंडल सीथ सेल से यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन करके एक CO2 यहाँ से निकाल लिया जाएगा, और C3 जो कंपाउंड बचा वो फिर से हम कहाँ भेज देंगे, म्यूजोफिल सेल में, ताकि इसका रीजनरेशन हो सके, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये बनता है CO2 कहाँ चला जाएगा, कार्बन एसिमिलेशन मतलब केल्विन साइकिल में ये इंटर कर जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास शुगर बन जाएगी, और शुगर कहाँ चली जाएगी, वैस्कुलर बंडल, क्योंकि वैस्कुलर बंडल बंडल सी से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शुगर बना तो शुगर कहाँ मूव कर जाएगी, बंडल सी, वैस्कुलर बंडल के अंदर, बंडल सी से वैस्कुलर बंडल के अंदर इंटर कर जाएगी, क्लियर। तो एक आइडिया क्या है, आइडिया तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि C4 एक कंपाउंड जो कि C3 से डेवलप होता है बाय द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेशन, तो ये मीजोफिल सेल में होता है, और मीजोफिल सेल से C4 कंपाउंड कहाँ भेज देंगे, बंडल सी सेल में, वहाँ से डिकार्बोनाइजेशन करके एक CO2 को रिलीज कर लेंगे, बचा हुआ C3 फिर से हम भेज देंगे कि कहाँ, मीजोफिल सेल में। अब बंडल सीथ में ही क्या होगी, कार्बन साइकिल, तो C3 जो साइकिल होती है C3 प्लांट के अंदर जो C3 साइकिल होती है वो होती है मीजोफिल सेल में, जबकि C4 प्लांट में कहाँ होती है, बंडल सीथ सेल में। देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कहाँ हो रही है, बंडल सीथ में, क्लियर। अब यहां देखो ये पूरी साइकिल हमें अच्छे से समझना है, यहां देखो हमारे पास मीजोफिल सेल है, और मीजोफिल सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ये गैप के थ्रू एक दूसरे सेल भी जुड़ी हुई है जिसको हम बंडल सीथ सेल बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही, ये फिगर तो सबको दिख ही रहा है। अब देखो यहां पे एटमॉस्फेरिक जो CO2 होती है वो एंटर करती है कहां पे, मीजोफिल सेल में। आइडिया हमारे पास ये है, एक आइडिया और बना लेते हैं, क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही रूबिस्को के पास ऑक्सीजन आती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन एक्टिविटी होती है, फोटोरेस्पिरेशन हो जाता है, हम क्या करें, रूबिस्को के पास में, किसके पास में, रूबिस्को के पास में ऑक्सीजन को आने ही ना दे। अगर ऑक्सीजन कभी इससे इसके पास ना पाए तो कभी भी ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर नहीं पाएगा, और जब रूबिस्को के साथ कभी ऑक्सीजन बाइंड कर नहीं पाएगा तो CO2 का कंसंट्रेशन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, कम और ज़्यादा दोनों ही केस में रूबिस्को किससे बाइंड करेगा, मजबूरी, हमारे पास बाइंड करने के लिए और कुछ है ही नहीं, कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये दो सेल हैं, तो हम जहाँ पर रूबिस्को है, देखो बंडल सी सेल में क्या है, यहाँ पर रूबिस्को प्रेजेंट होता है, इस वाली सेल के अंदर रूबिस्को पाया जाएगा, इस वाली सेल के अंदर रूबिस्को है ही नहीं, क्लियर। मीजोफिल सेल है तो मीजोफिल सेल के अंदर लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन तो होगी होगी, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन बनती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहीं से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है स्टोमेटा के थ्रू, ऑक्सीजन यहाँ तक आ ही नहीं पाती, रूबिस्को है कहाँ, बंडल सीथ सेल में, और बंडल सीथ सेल में ऑक्सीजन को हम भेज ही नहीं रहे, हमने ऐसी टेक्निक यहाँ पे डेवलप कर ली, ऐसा एक सिस्टम बना लिया है कि ऑक्सीजन हम यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे, तो ऑक्सीजन अगर बंडल सीथ में आ नहीं पाएगी तो रूबिस्को कभी भी बाइंड नहीं कर पाएगा, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ कभी बाइंड नहीं कर पाएगा, क्लियर। और यहाँ पे CO2 है, CO2 के साथ बाइंड करेगा और केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ याद रखनी है, तो इसको अवॉइड करना है, किसको, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ से बनी यहीं से यहाँ रिलीज हो जाएगी, क्लियर। अब देखो सबसे पहले यहाँ आती है क्या, CO2, CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आया, फॉस्फोइनोल पाइरवेट सबसे पहले तीन कार्बन का कंपाउंड के साथ में बाइंड करती है, इसको PEP भी बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पाइरवेट। तो CO2 या बाइकार्बोनेट आयंस या बाइकार्बोनेट जो होती है PEP के साथ में जब बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेपकेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम यहाँ है, पेपकेज एंजाइम, प्रोसेस होता है फिक्सेशन। यहाँ पे 5 स्टेप हमारे पास दिए हैं, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट एंड रीजनरेशन। तो जैसे ही पेप्टेज बाइंड, पेप्टेज के साथ में पीपी एंड बाइकार्बोनेट साथ में आते हैं, पेप्टेज उसको फिक्स कर देता है, क्या बना देता है, सी फोर एसिड बना देता है। और इस सी फोर एसिड का क्या नाम है, ओ ए ए, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, फोर कार्बन का कंपाउंड हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो सी फोर एसिड है उसको फिर किस में कन्वर्ट कर देता है, मैलिक एसिड एनसीईआरटी में दिया है, या फिर इसको एस्पार्टिक एसिड, जो कि फर्दर कितने कार्बन का है, फोर कार्बन का कंपाउंड है। इस फोर कार्बन के कंपाउंड को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बंडल सीथ सेल में। तो हमने बंडल सीथ सेल में भेज दिया, सी फोर एसिड आ गया, ठीक है ना, सी फोर एसिड आ गया, चार कार्बन का कंपाउंड आ गया। उसके बाद इससे हम क्या कर लेंगे, एक CO2 को निकाल लेंगे बाहर, एक CO2 को यहाँ अगर हम निकाल दें तो बचा हुआ एसिड हमारे पास कितना होगा, तीन कार्बन का पायरुविक एसिड CH3COOH, तीन कार्बन का बन गया क्या, पायरुविक एसिड, तो C3 एसिड बन गया। अब इस C3 एसिड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं मीजोफिल सेल के अंदर, क्योंकि हमें रीजनरेशन भी तो चाहिए। तो C3 एसिड जैसे ही मीजोफिल सेल में आता है, हम 2 ATP का खर्चा करके फिर से उसको रीजनरेट कर लेते हैं PEP में, और ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है, क्लियर। अच्छा ये बात है कि अगर सर ये CO2 आपने यहाँ पे जो रिलीज करवाया है उसका क्या होगा, CO2 रिलीज करवाया है तो यहाँ रुबिस्को भी तो है, यहाँ रुबिस्को नहीं है बट यहाँ रुबिस्को है। रुबिस्को जैसे ही बाइंड करेगा CO2 के साथ में, और हमें पता है क्या स्टार्ट हो जाएगी, केल्विन साइकिल, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो केल्विन साइकिल यहाँ पे ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। अब कुछ बेसिक पॉइंट, मीजोफिल सेल के साथ में यहाँ रुबिस्को नहीं है, यहाँ पेप्टेज प्रेजेंट है, स्पेशलाइज फॉर द लाइट रिएक्शन। देखो ये पॉइंट याद रखना है, ये लाइट रिएक्शन के लिए स्पेशलाइज है। अगर लाइट रिएक्शन यहाँ होगी तो यहाँ ATP भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, दोनों कंपाउंड बनेगा, ATP बनेगा और NADPH दोनों बनेंगे, और ऑक्सीजन भी बनेगी, ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर जाएगी। ATP जो होगी और जो NADPH होगा, इसका यूज कहाँ करेंगे, यहाँ केल्विन साइकिल में, और ATP का यूज यहाँ करेंगे, यहाँ दो जगह यूज करेंगे, जबकि C3 प्लांट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल में यूज कर रहे हैं, यहाँ रीजनरेशन में भी यूज हो रही है, क्लियर। अब बात करते हैं बंडल सीथ सेल, सॉरी बैकग्राउंड आवाज थोड़ी बहुत और भी आ रही होगी, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और इस खराब मौसम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे बी सम बैकग्राउंड जो नॉइज है वो आ रही होगी, चलो कोई नहीं, उसको अवॉइड करते हुए बंडल सीथ सेल, जो बंडल सीथ सेल होती है, यहाँ पेप्टेज नहीं होता, बंडल सीथ सेल में क्या नहीं है, पेप्टेज नहीं है, क्योंकि पेप्टेज की जरूरत यहाँ पे है। रुबिस्को प्रेजेंट है, क्योंकि रुबिस्को की जरूरत हमें यहाँ है। ऑपरेट C3 साइकिल, यहाँ पे C3 साइकिल हो रही है। स्पेशलाइज फॉर द डार्क रिएक्शन, ये इसके लिए स्पेशलाइज है, फॉर द डार्क रिएक्शन, क्लियर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये पूरी साइकिल दी है, इसको हैच एंड सेलेक्स पाथवे बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम के साथ में उनका नाम था हैच एंड सेलेक्ट, तो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे, या फिर इसको C4 पाथवे भी कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो पेप्टेज क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये जो पेप्टेज एंजाइम है ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट हुआ, इसको फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। यहाँ देखें पॉइंट, अनलाइक रुबिस्को O2 डज नॉट कम्पीट विद बाइकार्बोनेट, अनलाइक रुबिस्को की तरह जो ऑक्सीजन होता है डज नॉट कम्पीट विद बाइकार्बोनेट इन द कार्बोक्सिलेज, कहानी छोड़ो ये कहानी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सीधे से आते हैं, फॉर वन CO2 फिक्सेशन, अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो केल्विन साइकिल में हमें एक CO2 के लिए 3 ATP 2 NADPH की जरूरत पड़ती थी, C3 साइकिल में ये हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको याद होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 ATP रीजनरेशन में भी खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना 2 ATP रीजनरेशन में खर्च हो रहा है, ये रीजनरेशन में, तो टोटल ATP का खर्चा जो हो रहा है एक CO2 के लिए 5 ATP एंड 2 NADPH, ठीक है ना। तो ये पूरा सार है, हमें ये चीज़ याद रखनी है, और इसको अगर याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये सारी ये चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये समझ लिया है तो ये सब चीज़ें अब आप नहीं पढ़ोगे तब भी काम चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही मैंने फिगर में बता दी है। यहाँ पे एक पॉइंट देखेंगे, डिड यू नोट दैट द केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल द मीजोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स, ठीक है ना। सारी की सारी जो C3 प्लांट्स होते हैं, केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में ऑपरेट होती, कितनी बार बोल चुका हूँ अभी भी याद कर लो, बट इन C4 प्लांट्स ये कहाँ ऑपरेट होगी, ये कहाँ होगी, बंडल सीथ सेल के अंदर,
ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें ऑक्सीजन को रुबिस्को तक पहुंचने ही नहीं देना है, इसलिए हमें ऐसा सिस्टम अपनाना पड़ा। क्लियर? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, हालांकि हम बहुत कुछ पॉइंट पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि आरयूबीपी किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ, जिससे आरयूबीपी कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक्टिविटी रुबिस्को की हो जाती है। दिस हैपेंस इन द फोटो रेस्पिरेशन। ये कब होता है? जब फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पीजीए तो बनता है, बट फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, ये हमारे पास इसका कोई यूज नहीं है, ये मेटाबॉलिकली क्या है, यूजलेस प्रोडक्ट हमारे लिए, दो कार्बन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ दो कार्बन से कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, दो दो से अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल टू मॉलिक्यूल हो जाएंगे और कार्बन का नंबर फोर हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब फोर कार्बन से जब हम पीजीए बनाएंगे, क्योंकि पीजीए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए यूजफुल कंपाउंड है पीजीए, तो पीजीए क्या है, अब पीजीए बनाएंगे तो फोर कार्बन से जब हम पीजीए बनाएंगे तो एक सी यू टू यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू यहाँ से निकालेंगे, और जब पीजीए बनाते हैं तो एक सी ओ टू को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे एटीपी का खर्चा भी हो रहा है, तो हमारे पास खर्चा बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी होनी चाहिए थी, वो एफिशिएंसी घट जाती, नहीं रह पाती उतनी फोटो रेस्पिरेशन, तभी तो सी फोर प्लांट आए थे। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, लेकिन बस थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर चाहो तो देख लेते हैं। पहले सारे पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए थे, इन्वॉल्व इन थ्री सेल ऑर्गेनिज्म, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लिए थे, कंसिडर एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस एफिशिएंट जो होती है, एफिशिएंसी घट जाती है। दूसरा, यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है पीजी, जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि उसको फिर से हमें जब पीजीए में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें एटीपी का खर्चा देना पड़ता है, एटीपी लगाना पड़ता है, तो हमें हमारे लिए वो तो और ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस हो गया, तो हम लोग इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं, इसकी हमें नीड नहीं थी, जो कि सी3 प्लांट में होता है। सी4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हुआ कि नहीं, अरे नहीं होगा, सी4 प्लांट बने ही इसलिए हैं अवॉइड कर, वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद है, टू अंडरस्टैंड फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल, द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप। आरयूबीपी CO2 के साथ बाइंड करता है तो टू मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनते हैं, जो कि नॉर्मली होता है, बट रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी टू CO2 विद CO2 ऑक्सीजन इज नियरली इक्वल। CO2 के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में इक्वली जो एफिनिटी होती है वो नियरली इक्वल होती है। रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन CO2 एंड ऑक्सीजन इज नियरली इक्वल, यानी 5 मॉलिक्यूल CO2 के हैं और 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो दोनों के साथ में इक्वली बाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन द CO2 O2 इज नियरली इक्वल, तो जब दोनों का जो कंसंट्रेशन है सेम है, तो उस समय जो रुबिस्को होता है वो किसकी तरफ, बिन पेंदी का लोटा बन जाता है और वो CO2 की तरफ मूव कर जाता है। ये लाइन का मतलब समझो, रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 व्हेन CO2 O2 इज नियरली इक्वल। तो जब अगर 100 मॉलिक्यूल हम मान लें CO2 के हैं और 100 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इवर नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, अगर ऐसा नहीं है तो कॉम्पिटिशन हो जाएगा, मार धाड़ होगी, आपस में लड़ेंगे। इट इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द टू विल बाइंड टू एंजाइम। ये रिलेटिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसका कंसंट्रेशन कम है, कौन बाइंड करेगा, तो वहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा, दोनों कॉम्पीट करेंगे बाइंडिंग के लिए अगर कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाए तो। इन C3 प्लांट्स सम O2 डज बाइंड इन रुबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। अच्छा, हॉट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ सुगर नॉर ऑफ ATP। ATP बन तो रहा नहीं, लेकिन खर्चा हो रहा है, ATP का यूज़ तो हो रहा है, बट ATP फॉर्म नहीं हो रहा है, ATP फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो CO2 जो होगा वो फॉर्म होगा, PG2 कार्बन फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ATP नॉट फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ATP नहीं बनेगा, PG फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, CO2 क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, CO2 का फॉर्मेशन होता है,
ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, एटीपी इसमें नहीं बनती है, एटीपी का यूज होता है, क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें याद रखना है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। इन टर्न दिस इंश्योर्स दैट रिस्को फंक्शन एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजन एक्टिविटी। दिस इंश्योर्स, ये कहानी पढ़ना पड़ेगा, इन सी फोर प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, सी फोर प्लांट में। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट, क्योंकि बंडल सी सेल में क्या कर देते हैं, CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन जाने नहीं देते हैं। दिस टेक प्लेस वेन द सी फोर एसिड फ्रॉम द मेजोफिस ब्रोकन डाउन इन टू बंडल सी सेल्स टू रिलीज CO2, ठीक है। दिस रिजल्ट इंक्रीजिंग द इंट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन ऑफ CO2, इन टर्न दिस इंश्योर्स दैट द रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजन एक्टिविटी। कह रहा है कि ऐसा अगर हो जाए, फिगर में देखें, ऐसा हो जाए कि अगर CO2 यहाँ आ जा रही है, यही रुबिस्को है, तो ये इंश्योर, बहुत ज़्यादा इंश्योरिटी हो जाएगी कि रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा, CO2। अल्दो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से रुबिस्को किसके साथ बाइंड करेगा, एफिनिटी भी CO2 के साथ में ज़्यादा है और रुबिस्को यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, ना के बराबर, मान लो थोड़ी बहुत होगी तो तब भी किसके साथ बाइंड कर रहा है, तो इंश्योरिटी किसकी हो जाएगी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड वाई प्रोडक्टिविटी एंड yields आर बेटर इन दीज प्लांट्स, क्योंकि क्या हो रहा है, सी फोर प्लांट्स में बेटर, क्योंकि रुबिस्को किसके साथ बंद कर रहा है, CO2 के साथ में। इन एडिशन दीज प्लांट्स सो टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, इसके साथ साथ ये जो टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक टेबल दी है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, अगर सी थ्री प्लांट होगा मेजोफिल, सी फोर तो बंडल सीट। सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, मेजोफिल में, मेजोफिल में, सी फोर में मेजो, अरे कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, इनिशियल कार्बोक्सिलेशन किस में होता है, दोनों में, मेजोफिल मेजोफिल में। हाउ मेनी सेल टाइप डज लीफ हैव दैट फिक्स यू टू, वन एंड टू, ठीक है ना, कितने सेल टाइप्स, यहाँ पे एक थी, यहाँ पे दो है, हम लोग पढ़े बंडल सीट मेजोफिल। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहाँ RBP होता है, सी फोर में PEP होता है, PEP के एंजाइम यहाँ पाया जाता है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2, पांच कार्बन का कंपाउंड RBP होता है, PEP केस कितना, PEP कितना होता है, थ्री कार्बन होता है। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, PGA होता है, OAA होता है। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, तीन कार्बन, फोर कार्बन, थ्री फोर। डज द प्लांट हैव रुबिस्को, हाँ भी यस, यहाँ भी रुबिस्को तो हो गई होगा, फिर कैसे एक्टिविटी, केल्विन साइकिल कैसे हम रन कराएंगे। डज द प्लांट हैव PEP केस, सी थ्री में तो नहीं हो, सी फोर में होगा, सी फोर में होगा ना PEP केस, क्योंकि वहाँ OA बन रहा है ना, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है, PEP केस तो बनाता है। विच सेल इज द प्लांट हैव रुबिस्को, मेसोफिल, बंडल सी सेल, CO2 फिक्सेशन रेट हायर, हाई लाइट कंडीशन, हाई लाइट कंडीशन में अगर सी थ्री प्लांट होगा फोटो रेस्पिरेशन को शो करेगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सी फोर प्लांट में क्या हो जाएगा, CO2 फिक्सेशन हाई हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे, यहाँ तो फोटो रेस्पिरेशन होना ही नहीं है। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी, यहाँ दोनों जगह नहीं होता होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट इन हाई लाइट इंटेंसिटी, यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन बी द प्रेजेंट एट लो CO2 कंसेंट्रेशन, अगर CO2 कंसेंट्रेशन लो है तो यहाँ भी हाई होगा और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ नेग्लिजिबल होगा। यहाँ वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी द प्रेजेंट एंड लो CO2, अगर कंसेंट्रेशन CO2 का क्या है, लो है तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन, CO2 का कंसेंट्रेशन लो पे, यहाँ पे हाई और यहाँ पे नेग्लिजिबल। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी द प्रेजेंट एट हाई CO2, हाई CO2 पे नेग्लिजिबल और यहाँ पे नेग्लिजिबल, दोनों जगह कम होगा। वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2, अगर हाई CO2 कंसेंट्रेशन होगा तो यहाँ भी कम, यहाँ भी कम, अगर CO2 कंसंट्रेशन हाई है तो फिर क्यों भाई, ऑक्सीजन अगर CO2 कंसंट्रेशन कम होता है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन जब CO2 कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, तो क्यों फिर फोटो रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे, तब क्यों करेंगे, तब नहीं करेंगे। टेम्परेचर ऑप्टिमम 20 से 25 डिग्री, 30 से 40 डिग्री। एग्जाम्पल्स की बात करें, पोटैटो है, स्पेनिच है, कॉटन है, सनफ्लावर है, जबकि यहाँ मेज एंड सॉर्गम एग्जाम्पल।